यदि किसी के दुख को देखकर हमारी आंखें सजल ना हो तो हमारी इन आंखों के होने का क्या फायदा। एक तो आज के समय में की एक विडंबना है, हम लोग सोशली जो सोशल साइट्स होती है ना आजकल, व्हाट्सएप वगैरह, हम इसके ऊपर बहुत सेवक बन चुके हैं। मान लीजिए किसी की दुर्घटना की फोटो फेसबुक पर आएगी, उसमें लिखा होगा कि भगवान से प्रार्थना करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, पर यदि वास्तविकता में हमारे सामने घटना हुई होती तो हम लोग किनारा कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर कोई कुछ भेजेगा, हम लोग 150 व्यक्तियों को शेयर कर देंगे, मतलब केवल हम मन से, महाराज हमने तो सेवा कर दी। साहब यह किस प्रकार की सेवा है? नीम नीम कहिए ते मुख नहीं कौड़ा होत, मुख कौड़ा होत है जी नीम के चबान से। नीम नीम कहने से मुख कड़वा नहीं होता, नीम चबाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप वास्तविकता में सेवा करना चाहते हैं, 100 की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक की ही कीजिए, पूरे तन मन धन से कीजिए, आपका ठाकुर जल्दी रीझ जाएगा। कड़वे शब्द है, क्षमा चाहूंगा, पर विचार कर देखिए क्या हमारे भीतर वह मानवता है। यदि किसी तीर्थ में जाएं, हमें कोई भिक्षुक मिल जाता है, हम या तो उसकी कटोरी में 2-5 रुपया डाल देंगे या उसे भाषण देकर लौट आएंगे। अरे हट्टे कट्टे हो, कमा नहीं सकते साहब, उसका कोई प्रारब्ध होगा जो वह ऐसे भोग रहा है, आप क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो? नहीं दे सकते मत दो, पर किसी को खरी खोटी सुनाओ भी